कैसे हो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस छोटा सा एक प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे। इसे परचेस किया मुझे लगभग 45 डेज हो गया है। तो पहले जो है इसका स्पेसिफिकेशन हम देख लेते हैं। तो ये हेडफोन है ज़ेब्रोनिक्स का है, मॉडल जो है ज़ेब ड्यूक है। इसमें आपको कुछ फीचर्स जो यहाँ पे हाईलाइट है, जैसे कि यहाँ पे सबसे जो पहला हाईलाइट है ब्लूटूथ 5.0 है, वॉइस असिस्टेंट जैसे कि ये गूगल को सपोर्ट करता है, इसमें RGB लाइट मिलता है आपको। यहाँ 30 घंटे का बैटरी लाइफ जो है मेंशन है और बेस क्वालिटी इसका अच्छा है। ये कुछ जो है ये सिंपल सा बॉक्स है, यहाँ पे कुछ मेंशन है। तो सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये सिंपल सा ट्रांसपेरेंट सा बॉक्स है, इसे उठाते ही आपको हेडफोन मिल जाता है। छोटा सा यूज़र मैनुअल, ये रहा हमारा मेन हेडफोन यूनिट, और ये एक 3.5 mm जैक, एक छोटा सा चार्जर केबल था जो बहुत ही बेकार था, तो मैंने उसे फ़िलहाल के लिए फेंक दिया। तो ये केबल जो है ये देखने आपको चीप लगेगा, लेकिन इसका क्वालिटी अच्छा है, मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल है, उतना भी बुरा नहीं है, ये ठीक ठाक है। अब आते हैं हमारा मेन यूनिट जो हेडफोन है। तो पहले इसका हम जो कमियां है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम पहले इसका जो कमियां है उसके बारे में बात, जो मैंने अभी 1.5 महीने तक इसे यूज़ किया और जो मुझे कमियां लगा इस हेडफोन के बारे में, हम आज उसी के बारे में बात करेंगे और इसका जो खूबियां है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले कमियां के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कमियां है, तो ये ऑन है और यहाँ पर देख सकते हैं ये RGB है। ये RGB कंट्रोल के लिए आपको कोई भी बटन नहीं मिलता, मतलब इसका लाइट जो है आप चेंज नहीं कर सकते। इसका जो RGB है इसे बंद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही कंट्रोल मिलता है कि वॉल्यूम अप और डाउन अगर आप सेम टाइम पे प्रेस करके होल्ड करते हैं तो ये बंद हो जाता है, और दोबारा अगर ऐसे करते हैं तो ऑन हो जाता है। यहाँ पे कोई आपको एक्स्ट्रा बटन नहीं मिलता है RGB कंट्रोल के लिए। दूसरा जो प्रॉब्लम है, इसका जो बटन का जो क्वालिटी है बहुत ही बकवास है दोस्तों, बहुत ही ख़राब है। आपको देखते ही चीप फील आएगा, और जब आप दबाते हैं तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब है, क्योंकि आपको जब दबाते हैं तो उस जो सॉफ्टनेस है वो नहीं मिलता, ऐसे कड़कड़ आवाज़ मिलता है जब इसे प्रेस करते हैं। अब दूसरी जो कमी है, जब आप इसे एक वायर्ड हेडफोन की तरह यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे आपको जो 3.5 mm जैक मिलता है, अब ये PR नहीं है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे एक माइक्रोफोन, ओके, और यहाँ पे जो इंडिकेटर आप दिख रहे हैं अभी, ये इसके बारे में भी हम देर में बात करेंगे कुछ देर में। तो जब ऐसे आप एक वायर्ड हेडफोन की तरह यूज़ करते हैं, इसका ये जो बटन है वो काम नहीं करता है। सारा जो कंट्रोल है आपका फ़ोन से ही करना पड़ता है, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन काम नहीं करता है। और कुछ बातें हैं इस हेडफोन के बारे में। तो जब आप यूज़ करते हैं ये हेडफोन को, तो जो आपका कान है ये काफ़ी बड़ा है, ये हेडफोन आपका जो कान है पूरा कान इसके अंदर आ जाता है, तो ये आपका पूरा कान को जो है ढक लेता है। तो अब जब गर्मी का सीज़न हो तो अब यूज़ करने में काफ़ी पसीना आता है, गर्मी महसूस होता है, तब ज़्यादातर तक आप यूज़ नहीं कर पाते। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम जिम में लेके यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ये नहीं है, क्योंकि ये अगर जिम में यूज़ करेंगे तो पहला तो ये वाटरप्रूफ नहीं है, दूसरा जो है बहुत ही गर्म होता है। ये तो काफ़ी कम्फर्टेबल है, ये जो कुशन है ना काफ़ी कम्फर्टेबल है, इसमें कोई इशू नहीं, ये हाइट एडजस्ट भी हो जाता है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। यहाँ ऊपर भी आपको कुशन मिलता है, लेकिन ये बहुत ही गर्म है, पूरा कान को जब आपका कवर कर लेता तो आपको काफ़ी गर्मी महसूस होता है। जितना भी अभी तक मैंने इसका कमियाँ बताया इस हेडफोन के बारे में, एक ही कारण है जो मैंने इसे परचेज़ किया, वह है साउंड क्वालिटी। इसका साउंड क्वालिटी जो है दोस्तों मैं बताऊँ बहुत ही ज़बरदस्त है। जो सारा कमियाँ मैंने अब तक बताया आपको शायद आप वो भूल जाएंगे, इसका साउंड जो है बेहतरीन है, एकदम बेहतरीन। जब आप इसे थोड़ा सा लाउड साउंड में इसे यूज़ करते हैं, इसका 40 mm जो ड्राइवर है वो जैसे मानते हैं जो बड़े बड़े स्पीकर में 18 इंच जो ऊपर होता है उसमें जो वाइब्रेट महसूस होता है ना, जब ज़ोर से बजता है, जब थोड़ा सा लाउड साउंड में इसे यूज़ करते हैं तो ये जो स्पीकर जब वाइब्रेट करता है तो आपको महसूस होता है कि नहीं मेरे जो कान में एक बड़ा सा स्पीकर है, जो मतलब क्या बताओ, वो फीलिंग आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ये प्राइवेट करता है जब थोड़ा सा लाउड म्यूज़िक में बजता है। तो ज़्यादातर मैं इसे वायर यूज़ करता हूँ, क्योंकि वायर में जो है मुझे साउंड क्वालिटी जो है और भी बेहतर लगता है। तो दोस्तों एक और कमियाँ है इस हेडफोन में, जब इसे चार्जिंग में लगाता है तो जब ये फुल चार्ज होता है तो बंद हो जाता है, कोई भी इंडिकेट यहाँ पे शो नहीं करता, तो हमें पता नहीं चलता एक्चुअली ये चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है या फुल चार्ज हो गया है। तो ये एक प्रॉब्लम है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट चार्जर भी यूज़ किया, हो सकता है ये प्रॉब्लम मेरे ही यूनिट में हो,
किसी के पास ये हेडफोन है तो ज़रूर मुझे कमेंट में शेयर करना कि आपके हेडफोन में ये इशू है कि नहीं। तो हेडफोन का जो क्वालिटी है, मतलब जो क्वालिटी है वो साउंड ही है, साउंड जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। माइक्रोफोन है ठीक ठाक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। अगर आप थोड़ा लाउड बात करते हैं, थोड़ा ज़ोर से, तो वो ठीक है, वो सुन पाता है, जो ऐसे आप बात कर रहे हैं वो अच्छा से सुन पाता है। लेकिन जब आप धीरे से बात करते हैं, थोड़ा धीरे से, तो उसको सुनाई नहीं देता। ये माइक्रोफोन जो है उतना अच्छा नहीं है, काम चल जाता है। लेकिन जो पूरा क्रेडिट है इसका, जो तारीफ किया जाए, तो अगर सिर्फ और सिर्फ साउंड के लिए ये ठीक है। अगर आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, या आप कुछ कॉन्टेंट क्रिएटर है, या ऐसे मान लीजिए कुछ काम करते हैं जो साउंड के रिलेटेड है, तो ये काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। इसका साउंड जो है लाजवाब है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे। फिर मिलते हैं दोस्तों।